क्वेश्चन है ट्रेन की गति डैश का उदाहरण है जो ट्रेन की गति होती है वो किसका उदाहरण होता है तो वो जो होती है वो स्थानांतरित गति होती है नेक्स्ट है एक घूर्णन करते पिंड पर एक बड़े बल के परिणाम स्वरूप बड़ा डैश होता है तो एक घूर्णन कर रहे पिंड पर एक बड़े बल के परिणाम स्वरूप क्या बड़ा होता है उसका आघूर्ण बड़ा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है सब जगह समान रहता है द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होती है चाहे आप उस वस्तु का स्थान कितनी ही जगह क्यों ना चेंज कर लें उस वस्तु का द्रव्यमान मास हमेशा सेम रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल जल से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश जल से कम होता है तो अल्कोहल जो होता है वो जल से अधिक वाष्पशील होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कथनांक होता है वह जल से कम होता है ठीक है अल्कोहल का जो कथनांक होता है वह जल से कम होता है इसलिए अल्कोहल जल से अधिक वाष्पशील होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दूध से क्रीम हटा दी जाती है तो इसका घनत्व क्या होता है आंसर है बढ़ जाता है देखिए अगर दूध से जो उसमें क्रीम रहती है उसको हटा दें तो दूध की जो घनत्व रहती है डेंसिटी रहती है वो बढ़ जाती है क्योंकि जो क्रीम की डेंसिटी रहती है वो कम होती है दूध से नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण मृदा से जल जड़ के मूल में प्रवेश करती है तो किसके कारण मिट्टी से जो जल होते हैं वो जड़ों में प्रवेश करते हैं तो कैशिका दाब या कैपिलरी के द्वारा जो मिट्टी में पानी होते हैं वो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं उस तक पहुंचती हैं नेक्स्ट है एक नाव तब नहीं डूबेगी जब वह अपने डैश के बराबर जल विस्थापित करती है तो एक नाव तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने आयतन के बराबर जल विस्थापित करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई का माप होता है तो जो पारसेक होता है वो खगोलीय दूरी की इकाई का माप है खगोलीय दूरी को मापने के लिए पारसेक जो है वह इकाई उपयोग में लाई जाती है एक और होता है प्रकाश वर्ष वो भी खगोलीय दूरी की मापने की इकाई होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है तो जो सेकेंड लोलक होते हैं उसका आवर्तकाल जो होता है वह दो सेकेंड का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच वह संवेदना है जो किस पर निर्भर करती है आवृत्ति पर निर्भर करती है जो पिच होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है जैसे एग्ज़ाम्पल के ले सकते हैं जो फीमेल होती है उनकी पिच जो होती है वो मेल के कंपेरिशन में ज़्यादा होती है यानी कि जो फीमेल होती हैं वो जो बोलती हैं उनकी आवृत्ति अधिक होती है मेल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है एक पिंड उष्मा की अधिकतम मात्रा को अशोषित करता है जब उसकी जो सतह होती है वो काली और खुरदी होती है तब वो अधिक से अधिक उष्मा को अशोषित कर पाती है नेक्स्ट है गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग कहलाता है नॉन ल्यूमिनस जोन या गैर चमकदार जोन कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं तो कौन सी है संवहन संवहन एक विधि होती है जिसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है आयन मंडल रेडियो तरंग संचरण कहाँ पर होता है आयन मंडल में होता है और यहाँ पर जुटिया है क्षोभ मंडल छोभ मंडल में क्या होता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं बिजली का कड़कना ये सब जो कहाँ पर होता है छोभ मंडल में होता है मंडल में क्या होता है यहाँ पर जो ओजोन परत होती है वो उपस्थित होती है मंडल में नेक्स्ट है पदार्थ तरंगे क्या होती है पदार्थ तरंगे होती है वो डीप ब्रॉबरी तरंगे होती है अर्थात डीप ब्रॉबरी तरंगे क्या होती है इसमें जो तरंग होती होती है वो एक पार्टिकल्स की तरह भी व्यवहार करती है और एक तरंग या फिर वेव की तरह भी व्यवहार करती हैं तो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करती है उसको डी रॉग्ली तरंग बोला जाता है तो पदार्थ ऐसे ही तरंगे हैं डी रोगली तरंगे नेक्स्ट है जाली दस्तावेजों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है आंसर है परावैग्निक किरणें जो जाली दस्तावेज होते हैं नकली दस्तावेज होते हैं उनका पता लगाने के लिए प्रावैग्निक किरणों का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रेक्षण करके व्यक्ति दूरबीन और सूक्ष्म दर्शी में अंतर कर पाता है आंसर है लेंस का आकार लेंस के आकार से व्यक्ति पता कर सकता है कि दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में क्या अंतर है नेक्स्ट है प्रीष्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है नेक्स्ट प्रकाश किरण जो अत्यधिक दिशात्मक होती है क्या कहलाती है आंसर है लेजर जो लेजर किरणें होती है वो एक टारगेटेड किरण होती है एक दिशात्मक होती है एक निश्चित दिशा में गति करती है नेक्स्ट है नीला और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है तो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड है इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था रेड ग्रीन और ब्लू रेड और ग्रीन जब मिलती हैं तब क्या बनती है येलो बनती है रेड और ब्लू जब मिलती है तब क्या बनती है मैजेंडा और ग्रीन और ब्लू मिलती है तब क्या बनती है सियान कलर आंसर हो जाएगा अभी इसका फर्स्ट ऑप्शन और ये इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है रेड ब्लू और ग्रीन अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा तब बनता है वाइट कलर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जल से दुर्गंध आ रही हो तो उस गंध को किसे मिलाकर दूर किया जा सकता है आंसर है सक्रिय कार्बन एक्टिव कार्बन यदि जल से दुर्गंध आ रही है तो उस गंध को दूर भगाने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं एक्टिव कार्बन या सक्रिय कार्बन मिला सकते हैं नेक्स्ट है अग्निशामक कपड़े किसके बनाए जाते हैं आंसर है एस्बेस्टस जो अग्निशामक कपड़े होते हैं वो एसबेस्टस के बनाए जाते हैं नेक्स्ट है सल्फर का सामान्य नाम क्या है तो सल्फर को हम लोग गंधक भी बोलते हैं नेक्स्ट है दूध के पीएच मान की प्रकृति क्या होती है तो दूध का पीएच मान जो होता है वो सिक्स पॉइंट एट के अराउंड होता है और ये थोड़ा सा अम्लीय होता है क्योंकि जिसकी वैल्यू सेवन से कम होती है उसको हम हम अम्ल या एसिडिक नेचर में रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन से मुक्त प्रति ग्राम ऊर्जा के संदर्भ में सबसे अच्छा ईंधन है तो हम सभी को पता है कि सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है हाइड्रोजन होता है और इसमें प्रदूषण भी सबसे कम होता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है नेक्स्ट है समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली भौतिक विधि क्या होती है तो वह विधि क्या होती है आश्वन विधि होती है समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए जो विधि उपयोग में लाई जाती है वह विधि होती है आश्वन विधि नेक्स्ट बायोगैस का मुख्य घटक क्या है तो जो बायोगैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है मीथेन होता है मीथेन सबसे अधिक पाया जाता है बायोगैस में इसको फॉर्मूला होता है सी एच फोर नेक्स्ट है कारों से निकलने वाले धुएं में मौजूद विषाक्त गैस कौन सी होती है आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड कार से जो गैस निकलती है वो उसमें जो विषाक्त गैस होती है वो कौन सी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक से अधिक अगर मनुष्य इसके संपर्क में आता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैलवेनीकरण के लिए किया जाता है तो गैलवेनाइजेशन के लिए जो चीज उपयोग में लाई जाती है जो धातु उपयोग में लाई जाती है वह है जस्ता गैल्वेनाइजेशन किया क्यों जाता है जो लोहे होते हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है तो सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी है ऑस्मियन और सबसे हल्की पूछे तो कौन सी हो जाएगी लिथियम और सबसे हल्की गैस पूछे तब क्या हो जाएगी हाइड्रोजन